दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया हिटमैन रोहित, किंग कोहली और प्रिंस शुभमन गिल का तूफान। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक ऐसा तूफानी प्रदर्शन कर दिया है जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार कैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली रोहित शर्मा में कौन महान खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को पारी और 141 रनों के अंतर से जीत मिली थी, जिसके बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला पोर्ट ऑफिस पहुंची। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए विंडीज की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया था और इसी तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने किसी को निराश नहीं किया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने बिना किसी को निराश किए टीम को आगे ले जाने का काम किया और एक शानदार शुरुआत दी। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने एक रनों के साथ अपना खाता खोला तो यशस्वी जायसवाल चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया और पहले ही ओवर के अंदर दोनों ने अपना खाता खोलकर 6 रन बटोरे और टीम को एक मजबूत शुरुआत करवा दी, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों ने आसानी से गेंदबाजों का सामना किया। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए आए जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर 16वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए थे और इसी हिसाब से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। इस दौरान रोहित शर्मा ने मात्र 81 गेंदों का उपयोग किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पहले सत्र के अंतिम ओवर में 94 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और पहले सत्र के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 115 रन बटोरे, लेकिन विकेट भी नहीं गिराया। लेकिन जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए जोसेफ ने मुकाबले में ट्विस्ट डाल दिया था और पहला विकेट 145 रनों की साझेदारी को तोड़ लिया, जहां पर उन्होंने बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें, जायसवाल ड्राइव शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर को अपना कैच दे बैठे और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 72 रनों की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 145 गेंदों का सामना किया और इस बीच उन्होंने 5 खूबसूरत चौके लगाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जहां पर गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम को संभाला और इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज जेसन होल्डर को दोबारा आड़े हाथों लिया और 45 ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए थे। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने 52वें ओवर में अपना शतक भी पूरा कर लिया, जहां पर उन्होंने मात्र 135 गेंदों का सामना किया। हालांकि रोहित शर्मा ने अपना शतक तो पूरा कर लिया था, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी तो पूरी की, साथ में शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली। लेकिन इसी बीच बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को भी अपना विकेट गंवाना पड़ गया, जहां पर रोहित शर्मा गेंदबाज जेसन होल्डर के द्वारा कैच आउट हो गए थे। आपको बता दें, बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को जेसन होल्डर ने LBW आउट दिया और इस बीच रोहित शर्मा 160 गेंदों पर 112 रनों की नाबाद पारी खेले। इस दौरान उन्होंने मात्र 9 चौके और 2 छक्के लगाए थे, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं। तो वहीं दूसरे सत्र के अंदर 58वें ओवर में शुभमन गिल ने 88 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ दूसरे सत्र में भी भारतीय टीम को 1 विकेट गंवाना पड़ गया। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने तीसरे सत्र के पहले ही ओवर में गेंदबाज वेरिकन को आड़े हाथों लिया और लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके लगाकर शतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच तीसरे सत्र में 66वें ओवर के अंदर शुभमन गिल ने 135 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी अंदाज से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की और साथ में शतकीय साझेदारी भी कर डाली।
इस दौरान एक तरफ से शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक के बारे में 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि पहले दिन का खेल लगभग समाप्त होने के समीप था और इस दौरान बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना अर्धशतक 86वें ओवर में चौकी के साथ पूरा कर दिया और दिखा दिया कि वो इसी तरीके की बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक 103 गेंदों पर पूरा किया था जो कि काफी धीमा था, तो वहीं दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने दोहरे शतक के करीब बढ़ने लगे, लेकिन अंतिम ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर 200 रनों का आंकड़ा पार किया और दिन का समापन कर दिया, जहां पर पहले दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 440 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इस दौरान विराट कोहली ने 125 गेंदों पर मात्र 58 रनों की नाबाद पारी खेली, जहां पर उन्होंने मात्र 4 चौके लगाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ से गिल ने भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 265 गेंदों पर 204 रनों की नाबाद पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 25 चौके और 3 छक्के लगाए थे और सभी को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और लगने लगा कि भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।